तो हेलो फ्रेंड्स, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं पनीर कॉर्न पिलोज कैसे बनाया था। तो चलिए जानते हैं इसके प्रोसीजर क्या है। पिल्लो में डालने के लिए पहले हम तेल ले लेंगे और ये आधा चम्मच जीरा, हल्का सा जीरा भुन जाएगा तो हम साथ में कटे हुए जो प्याज हमने रखे हैं वो डालेंगे। इसकी फिलिंग बन रही है पिल्लो की, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज हो गए हैं गोल्डन। अब हम इसका जो कलर आ गया है, पनीर है उसको डाल दें। हाँ, अब इसमें हम ये जो कॉर्न थोड़ा सा बॉईल किया हुआ कॉर्न है उसको भी हम डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने डाल लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक, हाँ, बाकी मसाले हम थोड़ा सा जब ये गोल्डन हो जाएगा तब डालेंगे। ये हमारा गोल्डन हो गया है, इसमें हम कुटी हुई मिर्ची डालेंगे। आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हो। ये अमचूर पाउडर है एक चम्मच, और ये हमने फिर से घर में मसाला बनाया हुआ है जिसमें हमने जीरा, धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च लेके डाला हुआ है। और इसको अच्छे से और मिलाने के बाद हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। और गैस बंद हो गया हमारा ठंडा होने, और ऊपर से हम ये धनिया, कटा हुआ धनिया डाल देंगे और मिला के ठंडा होने देंगे। किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे ताकि। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिलिंग हो गई है ठंडी, और ये हमने मैदा तैयार किया हुआ है जो हमारी पहले वीडियो में देख सकते हैं आप। मठरी के लिए जैसा तैयार करते हैं उसी तरह तैयार करके इसको स्टफ करेंगे। तो देखिए, ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। और ये हमारा मार्केट से खरीदा हुआ मोल्ड है, गोल सा। आप चाहो तो हाथ से ही भर सकते हो। तो ये देखो, और इसमें हम फिलिंग डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके, और ये मोल्ड प्रेस कर देंगे अब। हाँ, ये ऐसे रख के ऐसे किनारे से हम निकाल के, ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया है शेप। ऐसे ही करके हम सारी अपने पिलोज को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पिलोज कर लिए हैं स्टफ, और चलिए अब इन्हें डीप फ्राई किया जाए। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा होना चाहिए गरम, और फ्लेम है लो। और इसे कब तक फ्राई करना है? 2 से 3 मिनट लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी पतला बेला गया हुआ है, मोटा नहीं है ये, तो ये फटाफट हो जाएगा। और तेल हमारा गर्म है, ये देखिए फटाफट हो रहा है, फूलने लग रहा है, ये अच्छा ब्राउन सा ग्लो आ रहा है। ये देखिए हमारा गोल्डन हो चुका है, और हम इसको निकाल के प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पिलो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें कर लेंगे सर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पनीर पिलोज हो गए हैं तैयार। हमने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा, अपने व्यूज शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी और रेसिपीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें दीदी की रसोई चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।